बम्बल के एड्स जितने मुझे लॉकडाउन में आए हैं ना उतने कभी नहीं आए हैं और डेटिंग एप्स एक बहुत ही फन एक्साइटिंग चीज़ जैसे साउंड करता है बट उसके uh, काफी सारे डार्क साइड्स भी हैं सो so, क्या हमें डेटिंग एप्स यूज़ करने चाहिए या नहीं हेलो डिड यू कॉल अस्पायर इंडिया में मैट्रिमोनियल साइट्स बहुत ज्यादा फेमस है तो हमें पता है किसी को शादी के लिए जाना है तो वो उसके लिए ऑप्ट करेगा इसलिए यहाँ एक क्लियर डिवाइड है कि हाँ डेटिंग एप्स अगर है तो मतलब वो हुकअप या एकदम ही कैजुअल डेटिंग के लिए ही हैं देखो जो ये सारे एप्स है ना इनमें एक अच्छी चीज यही है मेनली कि आप उन लोगों से मिल सकते हो जिनके साथ आपके सिमिलर इंटरेस्ट है पहले ही यू you नो know, वो बातें हो सकती है अबाउट दैट एंड सेकेंडली आप उन लोगों से मिल सकते हो जिससे इन अदर सोशल सेटिंग आप शायद नहीं मिल पाओ या आप बहुत ज़्यादा बिजी हो या आप एक सिटी में न्यू हो बट जितना एक्साइटिंग ये डेटिंग ऐप्स ख़ुद को एडवर्टाइज़ करते हैं और जितना कूल cool, uh, हमने इस चीज़ को बना दिया है उतनी ही इसमें प्रॉब्लम्स हैं एंड आई कैन से दैट विथ पर्सनल एक्सपीरियंस फर्स्टली वहाँ बहुत सारे मैन हैं एंड उसके कंपेरिजन में वेरी फ्यू वीमेन जैसे हमें अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे यू नो लाइक्स नहीं मिलते हैं तो लोग का सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाता है एंड ऑल ऑफ दैट ये सेम चीज़ है बट इन टू टाइम्स टेन आई थिंक फॉर मैन जिन्हें मैच नहीं मिलते हैं एंड फिर वो अलग अलग जगहों पर इस सब का सल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं एंड ऑनलाइन देर आर सम रियली रियली मिसलीडिंग रिसोर्सेज फॉर दिस बिकॉज कॉम्पटिशन इतना हाई है मैच इतने कम हैं सम मैन गेट सो डे स्पिरिट की यू नो वो कुछ भी काफ़ी एक्सट्रीम चीज़ें करने के लिए भी रेडी है जस्ट टू गेर अ मैच और जस्ट टू गेयर अ गर्ल टू गो आउट विद दैम देन इज जस्ट अ डाउनफॉल वीमेन के लिए ये एक टोटली डिफरेंट स्टोरी है बिकॉज इधर इतनी कम वेमेन है आपको कॉन्स्टेंटली एक बॉम्बार्डमेंट मिलता रहता है ऑफ वैलिडेशन एंड पर्सनली वो वैलिडेशन से मैं भी अफेक्ट हुई थी जब मैं ये सब एप्स यूज करती थी आई हैव बीन अननेसेसरली रूड एंड अनकाइंड एंड एंटाइटल्ड टू सम पीपल बिकॉज अगर एक चैट बुरी गई या एक डेट बुरी गई तो वीमेन नो कि अरे वो ऐप पे पूरी लाइन लगी हुई है ऑफ अदर मैन आर यू नो रेडी टू पाउंस एट द अपॉर्चुनिटी जब ऐसी वैलिडेशन कॉन्स्टेंटली मिलती रहती है तो सबकॉन्शियसली आप खुद को एक यू नो अबव लेवल पे देखना स्टार्ट कर देते हो दूसरे लोगों से एंड ये डेटिंग ऐप्स पर एक डिपेंडेंस ग्रो होनी स्टार्ट हो जाती है कि अगर आपके रियल लाइफ में कुछ बुरा हुआ या आपको यू you नो know, uh, अपने लुक्स के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में इनसिक्योरिटी फील हो रही है ओ जस्ट गो ऑन द ऐप थोड़े मैचेज आ गए एंड देन लाइक यू नो फीलिंग हैप्पी अगेन एंड दैट इज़ अ रियली अनहेल्दी वे ऑफ गेटिंग वैलिडेशन और बींग हैप्पी जैसे दूसरे सोशल मीडिया ऐप्स पे स्क्रोलिंग टाइप का एक एडिक्शन है काफ़ी लोगों का वैसे ही डेटिंग ऐप्स पे यू नो स्वाइपिंग एंड गेटिंग मैचेस वो भी एक एडिक्शन हो सकता है तो जब आप ये सब चीज़ें कंसिडर करो सो डेटिंग ऐप सिर्फ एक फन एक्साइटिंग चीज़ नहीं है इट्स नॉट जस्ट अ वे टू मीट पीपल बिकॉज आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब यू you नो know, आपका ऑब्सेशन इसके ऊपर ग्रो हो जाए बिल्ड हो जाए आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा कब और कहाँ कैसे वो आपको मेंटली बहुत ही नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है ये ऐप्स काफ़ी ज़्यादा टारगेटेड भी होते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स पे आपने देखा ही होगा जैसी उनकी एड्स हैं सो इट्स लाइक वो एक टाइम है वेर आप काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल होते हो एंड काफ़ी यू हैवन मेचोर्ड इनफ टू हैंडल सर्टन सिचुएशंस तो वहाँ पे आई थिंक ऑल द मोर केयरफुल होना चाहिए कि आपकी एक बैड हैबिट बिकॉज ऑफ दिस डेवलप नहीं हो पर अगर आप जाना चाहते हो ऐसे ऐप्स पे तो बिफोर डूइंग दैट अगर आपको इनकी डार्क साइड के बारे में मालूम है इट विल बी मच मच बेटर और कॉन्स्टेंटली कॉन्शियसली आपको ये खुद को चेक करने की ज़रूरत है कि आप इसके ट्रैप में फॉल नहीं हो रहे हो एक साइकिल में फॉल नहीं हो रहे हो ऑफ जस्ट बींग ऑन डेटिंग ऐप्स एंड अगर आप डेटिंग एप्स पे पैसे डाल के प्रीमियम अकाउंट खरीद रहे हो या अगर आप नोटिस कर रहे हो बार बार यू you नो know, खुद को अच्छा फील करने के लिए आप ये ऐप्स खोल रहे हो और उन पर स्वाइप कर रहे हो इफ़ यू नोटिस दैट तो दैट इज़ द राइट टाइम कि आप एक स्टेप बैक लो और एनालाइज़ करो आपके डिसीजनज एंड हाउ दिस इज़ अफेक्टिंग यू एंड आई रियली विश आई न्यू दिस बिफोर गेटिंग ऑन टू एनी ऑफ दीज एप्स और आपको ये भी क्वेश्चन आंसर करना चाहिए खुद के लिए कि आपका मोटिव क्या है इधर रहने का और आप कितने टाइम रहना चाहते हो इन ऐप्स पे बिकॉज डेफिनेटली इट्स नॉट अ प्लेस यू शुड बी ऑन फॉर एवर मैं इस वीडियो में सेफ्टी की इतनी बात नहीं करी मैं इस वीडियो पर ये बात नहीं कर कि वो इतना शैलो है इसे फोटो देख रहे हैं लोग बिकॉज uh, इंडिया में तो हम अरेंज मैरिजेस के लिए ऐसी टाइप की चीज़ें बहुत सालों से करते आ ही रहे हैं सो दिस इज़ नॉट ए न्यू आइडिया फॉर अस एंड अबाउट एल जी बी टी रिलेशनशिप्स वो एक अलग ही वीडियो वो तीन वीडियो है इनफैक्ट अलग टू कवर दैट टॉपिक सो दिस इज़ मोर अबाउट हेट्रोसेक्सुअलिटी सी पर्सनली मैंने डेफिनेटली कुछ अच्छे लोगों से इंटरेक्ट किया है इन डेटिंग एप्स पे बट आई कैन ऑल्सो से दैट जब मैंने सब कुछ डिलीट किया था देर वॉज़ अ सेंस ऑफ पीस एंड रिलैक्सेशन एज वेल सो देन इट इज़ अप टू यू टू चूज एनी वे दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्या आपने यूज़ किए हैं डेटिंग ऐप्स पहले क्या आपने नहीं यूज़ किए हैं आपकी कैसी एक्सपीरियंस रही हुई है इस पर और ऐसे क्या नेगेटिव चीज़ हैं अबाउट दिस जो मैंने शायद इस वीडियो में कवर नहीं किया लेट ले नो इन द कामेंट जम बिलो बाय आई सी यू सुन